शिक्षा से ज्यादा मूल्यवान कोई चीज नहीं है, शिक्षा से ज्यादा मूल्यवान कोई चीज नहीं है, इसे केवल परिश्रम के ही द्वारा प्राप्त किया जा सकता है और जो परिश्रम नहीं किया वो नहीं पा सकते। तो हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है नई वीडियो में आपके हमारे इस यूट्यूब चैनल माँ लीला टेलीकॉम पर। आज दोस्तों आज के इस वीडियो में जानेंगे कि आप देख सकते हैं कि प्राक इतिहास से क्या तात्पर्य है, संक्षेप में समझाएं। तो प्राक इतिहास क्या है दोस्तों, जान लेते हैं कि प्राक इतिहास किसे कहते हैं। यहाँ से अगर आप देख सकते हैं तो पुरातत्व की भाषा का जो मानव इतिहास प्रारंभिक चरणों के अध्ययन से संबंध है, यानी कि पुरातत्व का वह शाखा जो मानव इतिहास पुराने के पुराने चीज को अध्ययन किए जाते हैं उसे प्राक इतिहास कहते हैं। यह अनेक प्रारंभिक नवपाषाण ताम्रयुग समुदायक विकास को दर्शाता है, जिसकी विशेषता मवेशी, भेड़, बकरी, जानवर को पालन तथा कृषि जैसे गेहूं, जौ, चावल, बकरी चावल, बाजरा जैसी फसल के साथ साथ खेती करना और कृषि जीवन से पहले शिकार और संग्रह की सहायता से जीवन यापन करना एक लंबी अवधि था। तो इसे कहते हैं प्राक इतिहास के क्या तात्पर्य, संक्षेप में समझाएं। और इसके पूरे आज संक्षेप में जानते हैं कि इसके बारे में पुराने से पुराने युग के क्या विश्लेषण करते थे। मानव इतिहास यानी कि प्राक इतिहास को तीन भागों में बांटा गया है। वो कौन कौन भाग है दोस्तों, तो पाषाण युग, कांस्य युग और लौह युग। तो चलिए पाषाण युग, कांस्य युग और लौह युग को बारे में थोड़ा डिटेल से जानते हैं। अगर आप हिस्ट्री ऑनर से कोई भी सब्जेक्ट हिस्ट्री ऑनर से अगर आर्ट्स कर रहे हैं तो आपके लिए एक क्वेश्चन बहुत महत्वपूर्ण हो सकती है। तो चलिए तीनों के बारे में डिटेल जानते हैं। तो यहां से आप देख सकते हैं कि दोस्तों मानव इतिहास तीन प्रमुख कला में विभाजित किया गया है। मानव इतिहास को तीन प्रमुख कला में विभाजित किया गया है, पाषाण युग, कांस्य युग और लौह युग। इन्हें सिर्फ तकनीकीकरण के रूप में नहीं देखा जा सकता, इसका अर्थ केवल यह नहीं है कि पाषाण युग में पत्थर, कांस्य युग में कांसे का और लौह युग में लोहा के औजार का निर्माण करना, इसका अर्थ ये नहीं है कि अगर आप ये तीनों का अर्थ जान चुके हैं तो यहां से देख सकते हैं कि पाषाण को भी तीन कला में विभाजित किया गया है। पाषाण युग को भी तीन कला में विभाजित किया गया है, पूरा पाषाण, मध्य पाषाण तथा नव पाषाण। तो ये थी आज की इन्फॉर्मेशन। अगर वीडियो अच्छी लगती है तो चैनल को कर दिए सब्सक्राइब और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दिए ताकि कोई भी नोटिफिकेशन आए सबसे पहले आप तक पहुंच सके। तो दोस्तों आपको मैं बता दिया कि प्राक इतिहास क्या है, इसे कितने भागों में विभाजित किया गया है, नवपाषाण को भी कितने भागों में विभाजित किया गया है। कम्युनिटी पोस्ट में आपको मिल जाएगा कि नवपाषाण कितने भागों में विभाजित किया गया, वहां से भी आप जरूर वोट दें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।